राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सुजालपुर के पास कमालपुर गांव में, जहां पर हम एक हनुमान जी के मंदिर का पूरा आपको विस्तार से हेलो बताएंगे। दोस्तों, मैं इधर मध्य प्रदेश के कमालपुर गांव में आया हूँ और यहाँ पर गांव में एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इस गांव में, मतलब ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत अद्भुत बात हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें हनुमान जी का जो सामने मंदिर दिख रहा है, जो यहाँ पे जो शिखर दिख रहा है जिसपे लाल कलर का एरो बना हुआ है, और उसी के पास में एक पेड़ है जो बहुत हरा भरा सा बड़ा सा पेड़ है। इस पेड़ की मैं कहानी सुनाता हूँ जो आप लोगों को शायद ही ना पता हो। जिसको पता हो अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। जो सामने जो शिखर है, शिखर के पास में जो पेड़ है ना, जो पेड़ के इसमें क्या हुआ था कि जो ये डाली थी इसकी, ये शिखर के ऊपर हुई मुड़ी हुई थी। तो मजदूरों ने सोचा, जब मंदिर बन रहा था तो मजदूरों ने सोचा कि यार इस शिखर की डाली को हम काट देंगे, और उस टाइम पे रात बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मजदूरों ने सोचा कि हम लोग सुबह आएंगे और सुबह आके जल्दी से इसको काट देंगे ताकि हम मंदिर का काम आगे बढ़ा सके। हुआ ये कि जब ये पेड़ की डाली को, जब मतलब रात को बोला था कि अभी हम सुबह जाके हटा देंगे इसको, तो जब लेकिन जब सुबह आए ना, तो ये डाली ऑटोमेटिक इस साइड मुड़ गई थी। ये जो डाली है ना शिखर के, ऑटोमेटिक इधर हो गई थी। अब ये अद्भुत चमत्कार बाबा बजरंगबली का है, तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन बहुत अद्भुत है ये मंदिर, और जब से ही भव्य माना जाता है इसको। यहाँ पर अंदर की बात है कि वो निकाले जाते हैं, भूत प्रेत की आत्मा निकाले जाते हैं मंदिर के पीछे। मैं आपको वो स्थान भी बता दूंगा वीडियो में। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये जो मंदिर में जो पेड़ दिख रहा है ना, जिस पेड़ की अभी हम बात कर रहे थे, इस पेड़ में रहते हैं आदमखोर कबर बिज्जू। कबर बिज्जू, जिनको नहीं पता, ये एक ऐसे जानवर होते हैं जो कब्र खोद कर इंसानों, गड़े मूर्ते को खा जाता है। बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इधर रात को आना भी बहुत ज़्यादा मना है। देखिए, मंदिर के पीछे साइड की जगह यही वाली डगाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वाली डगाल जो शिखर के बगल से मुड़ गई है। आप बस इतना ही था इस मंदिर के बारे में। अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। जिन जिन ने अभी तक मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाके मेरे को सब्सक्राइब कर लो के, तो क्योंकि मैं यार अभी मैं वीडियो नहीं बना पाया था बीच बीच में, और अभी मैंने एक ही वीडियो बना पाया हूँ, और मैं आपके लिए अब रोज एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मेरा भी चैनल बहुत डाउन जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने का। तो अब मैं डेली एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, और बहुत ही बेहतरीन। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भोपाल की लेके आने वाला हूँ, लेक व्यू की। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।